हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ख़राब मेमोरी जो है आप ठीक कर सकते हैं। आप जो पुराने ख़राब मेमोरी को फेंक देते हैं तो उसका जो आज ठीक करने का ट्रिक इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर इस ट्रिक से अगर आपका जो है मेमोरी ठीक होता है तो आप नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको जो लिंक के डिस्क्रिप्शन में जो है एक सॉफ्टवेयर का लिंक मिलेगा, तो आप जो है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। कुछ केबी की है, तो इस तरह का जो HP USB डिस्क नाम का जो है आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, तो आप इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। और ध्यान दें, आपको ऐसे ये ओपन नहीं होगा। मैं अगर कोशिश करता तो ये ऐसे ओपन नहीं होता है। आपको जो है माउस के राइट साइड के बटन पे क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर इसको ओपन करना है। तो ध्यान दें, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो है करप्ट मेमोरी नहीं है अभी, जो मैं चेक करके दिखाऊंगा। तो ये एक जो है टूल है, फॉर्मेट टूल, जो ख़राब मेमोरी को जो है अच्छे भी मेमोरी को ये फॉर्मेट करता है। तो हम जो है अपना एक पेन ड्राइव लगा लेते हैं। तो मेरे पास तो करप्ट नहीं है मेमोरी एक भी, तो नहीं तो मैं तो लाइव दिखाता। आप ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं होता तो आई एम सॉरी। हम लगा लेते पेन ड्राइव। तो मैंने अपना जो पेन ड्राइव इंस्टॉल कर दिया है, अब देखता हूँ इसमें क्या दिखाता है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। अगर ख़राब मेमोरी है तो कुछ देर सर्च लेगा, आपको यहाँ स्टार्ट दबा देना है तो ये सर्च लेगा। मैं जैसे यहाँ स्टार्ट दबाऊंगा तो इसमें जो फॉर्मेट लग जाएगा इस मेमोरी USB मेमोरी में, ये इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सिर्फ USB को ही डिटेक्ट करेगा, USB स्टोरेज को ही। आपका जो हार्ड डिस्क इससे खतरा नहीं है, इसलिए USB को ही सिर्फ डिटेक्ट करेगा। कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपका मेमोरी ठीक होता है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करें। आप जो है अपना पेन ड्राइव लगा के स्टार्ट पे क्लिक आप कर दीजिए। हो सकता है 50% प्लस रखिए तो आपका मेमोरी ठीक हो जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो।